हाँ जी, मेरा नाम रामचंद्र सनोड़िया है। मैं मगवानी खुर्द जिला सिवनी का निवासी हूँ और 91-26 में पिछले 2 साल से लगा रहा हूँ। इसमें रोग निरोधक क्षमता, स्टील टूट वगैरह जो मजबूत होने के कारण पौधा में सक्षमता है कि वो रोग भी सह सकता है। हवा में सपोज़ हवा हवा चलती है तो स्टील टूट अच्छी है। ये देखिए, स्टील टूट जो जो स्टील टूट अच्छी होने के कारण इसकी पकड़ बहुत अच्छी रहती है। पकड़ अच्छी रहने के कारण ये गिरता नहीं है। और नहीं गिरने से क्या है, स्ट्रेट रहता है। स्ट्रेट रहने से गिरता नहीं तो जो लेवरिंग चार्ज है हमारा वो उसमें सफ़र नहीं करते। मक्का में इसकी साइनिंग, पौधे की क्षमता ये बहुत अच्छी है। अच्छी होने के कारण इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है और अच्छा प्रोडक्शन होने से हम किसानों को इससे फ़ायदा है। पौधे में जो पत्तियां हैं वो स्ट्रेट रहती हैं। स्ट्रेट रहने से हवाएं जो है वो पास होते रहती हैं। सन रेस जो है नीचे तक पहुंच जाती हैं। नीचे तक पहुंचने से रोग निरोधक क्षमता एवं इसमें जो पौधे की व्यवस्था है वो अच्छी रहती है, जिससे कि हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। पत्तियां भी सीधी रहती हैं, जिससे कि सन रेस नीचे तक पहुंच जाती है। भुट्टे में भी शाइनिंग बहुत अच्छी है, भर भी बहुत अच्छा आता है। तोड़ने में भी समझ लीजिए आराम से टूट जाता है। आराम से टूट जाने से लेवरिंग चार्ज में कोई दिक्कत नहीं आती। और जब लेवरिंग चार्ज में दिक्कत नहीं आती तो हमें उससे फ़ायदा ऐसा होता है कि काम जल्दी होता है। जल्दी होने के कारण हम प्रॉफिट हमें थोड़ा सा। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि हम ऐसे बीज चूज़ करें जिससे कि हमें अच्छा फ़ायदा हो, अच्छा फ़ायदा हो और उसमें हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़ना, ना करने के हिसाब से प्रॉफिट अच्छा हो। क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा लेबर चार्ज लगाएंगे, खर्च ज़्यादा पड़ेगा, हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे बीज का उपयोग करें जो कि अच्छा है। धन्यवाद। अपने खेतों में मक्का की बेहतरीन पैदावार लेने के लिए ये आवश्यक है कि सर्वोच्च गुणवत्ता के बीज का ही चुनाव किया जाए। टीकेल्ब 9126 एक ऐसा ही संकर मक्का बीज है जिसके भुट्टे में दाने ऊपर तक पूरे भरते हैं, साथ ही भंडारण के लिए उपयुक्त है। तो चलो बेहतरीन पैदावार की मजबूत आधारशिला रखने के लिए बायर कंपनी के संकर मक्का बीज टीकेल्ब 9126 को चुने। टीकेल्ब 9126, उपज का अंबार।